हेलो एवरीवन, विपुल दिस साइड। आज वेडनेसडे है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। मैंने एक ट्रेड लिए थे, उसमें 100 एक ही ट्रेड लिया था, उसमें 100 पॉइंट बुक किए। तो कैसे किया, क्या स्ट्राइक प्राइस था और क्या ऑर्डर बुक रही, क्या प्रॉफिट रहा और क्या लॉजिक रहा, वो सभी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहना। और अभी तक अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। कुछ डाउट रहता है या कुछ सीखना चाहते हो तो वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। सोपसो का भी आपको दिख रहा होगा मेरे पास बैंक निफ्टी 35 मिनट टाइम फ्रेम पे। मॉर्निंग में देख सकते हो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया। मैंने 935 पे कुछ पुट शॉर्ट किए थे, आप देख सकते हो डायरेक्शनल प्रॉफिट हुआ। आप बोल सकते हो ऑप्शन बाइंग भी कर सकते थे, बट ऑप्शन बाइंग में आप 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं बुक कर सकते थे। और जैसा हम प्रीवियसली मार्केट रहा, ये देखो साइडवेज। ऐसे मार्केट में आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ यार ऐसे मार्केट में भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, है ना, कि सर्वाइव करना है। तो ये देखो यहाँ पे ये था। अभी मैं आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस मैंने लिया था, मैंने ये 48,400 पुट शॉर्ट किए थे, दैट टू के 351 पे मैंने इसको शॉर्ट किया था एंड 250 पे मैंने एग्जिट कर दिया। 100 पॉइंट हमने बुक किए। 100 पॉइंट क्यों बुक किए, क्योंकि मेरा टारगेट ही 100 पॉइंट का था, है ना। इसके नीचे भी मार्केट गया है, बट मुझको जो चाहिए था वो मैंने ले लिया एंड मैंने एग्जिट कर दिया। अभी चलिए आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। सो ये है ऑर्डर बुक। 935 पे मैंने 48,400 की 15 क्वांटिटी 351 पे सेल की थी एंड 952 पे से मैंने 250 पे क्लोज कर दिया, मतलब 101 पॉइंट मैंने बुक किए आज, ठीक है। तो गाइस इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, बट जो मैंने 101 पॉइंट बुक किए, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ना। इट्स नॉट ईजी टू बुक 100 पॉइंट। इवन मैं सेलिंग भी डायरेक्शनल करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं ये स्ट्रगल में तब बिलीव नहीं करता हूँ, है ना। मुझको डायरेक्शनल चाहिए। अगर एसएल जाता है देन नो वरीज, बट अगर प्रॉफिट होता तो देख सकते हो आप कि 15-20 मिनट में अगर 1,500 रुपये दिन मतलब मिल भी गया है तो ठीक है ना यार। एक स्टूडेंट के लिए नॉर्मल बंदा उसके लिए बहुत है। आप उठो, आप बाकी के दिन अपना कुछ काम कर सकते हो, बट मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। अभी तो मैं बैठूंगा देखने के लिए और ट्रेड्स अभी करेंगे हम, बट बता रहा हूँ कि यार 1,500 रुपये अभी मैं प्रॉफिट भी शो करते हो, हाँ मानेंगे नहीं लोग। सो गाइस देख सकते हो ये है पोजीशन 48,400। अभी देखो 1,400 समथिंग का प्रॉफिट है, ठीक है। और अभी एक चीज़ और दिखा, ये देखो विपुल गुप्ता। सोपसो का आप देख सकते हो प्रॉफिट हुआ, बट आप बोलोगे ये दो ट्रेड है, एक दूसरा मैंने हेज के लिए लिया था। क्योंकि क्या होता ना, मार्केट बाइंग में, बाइंग साइड के मार्केट में कभी भी क्या, मेरे को तो डर ही लगता है अपसाइड ले जाने में। क्यों, क्योंकि जब एक बार आपने देखा होगा प्रीवियसली एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई थी जिसने ख़त्म ही कर दिया था कई लोगों को। तो ऐसा रिस्क नहीं लेना। अगर हमारे पास अपोजिट साइड में एक ट्रेड है, फॉर एग्जांपल पुट बाय करके रखे इवन ओटीएम, तो अगर मार्केट बहुत बड़ा फॉल होता है तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको अपनी ये जो सेलिंग की पोजीशन है इसको एग्जिट करना मैन्युअली। क्योंकि हो सकता है स्टॉप लॉस नहीं एग्जिट हो, वो स्किप कर दे फॉल मार्केट में, तो उसको हमको मैन्युअली एग्जिट कर देना। फिर जो भी एसएल रहेगा उसको थोड़ा सा हमको फास्ट मोमेंटम करके जो हमारा ये पुट बाय किया होगा इसको हमको एग्जिट करना पड़ेगा। तो कुछ आपका लॉस है वो इक्वल हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। सो होप्स गाइस आप समझ गए हूँ कैसे हमने आज ट्रेड किया है ना, और क्या उसका लॉजिक रहा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।